हाँ गुंजन दिख रहा है ब्लू सी लाइट में। और ये हमारे पास तानिया, ओके तानिया, यस आई कैन सी दैट, गुड तानिया। और बस तमन्ना, गुंजन एंड तानिया नहीं करे, तीन बच्चों ने होमवर्क करा है। ओके स्नेहा इज नॉट एट होम। ओके इम्पिटेंसी क्या होती है, कैस्ट्रेशन क्या होती है, बस एक टॉमी की डेफिनेशन दी थी मैंने क्वेश्चंस की बेसिस पे ना, बाकी यो मैम, यस बच्चों ने नहीं किया होमवर्क। ठीक है फिर, उन बच्चों को जब क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे करेंगे, क्यों नहीं करा होमवर्क, रीजन, दिन काफी बड़ा होता है, क्लास के बाद भी होमवर्क तो आई थिंक, कितने मिनट लगे कुंजन, मैम 20 मैम, ट्वेंटी 6 या 7 मिनट्स और तानिया, मैम, 10-12 मिनट्स। तो मैं मोटा मोटा लगा लेती हूँ, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स है ना, 15 to 20 मिनट्स तो तुम क्लास के बाहर वैसे ही निकाल सकते हो, टीवी देखते हुए निकाल सकते हो, स्कूल के लिए रेडी होके भी निकाल सकते हो। तो अगर होमवर्क नहीं किया तो उसका एक ही रीजन है कि नियत नहीं थी करने की ना, तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, लेकिन नियत तो तुम्हारी खुद की होगी ना, तो अगर खुद की नियत नहीं होगी तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, राइट। तो ये जो छोटे छोटे होमवर्क होते हैं, ये आपके नोट्स बनाते हैं और वो सब आपके नीट में काम आते हैं, तो जब लास्ट का एक मंथ रहता है ना, ये सब वहीं काम आता है, तो ये लोग हम लोग फाइनल चीजों की तैयारी करते हैं, जब भी मैं नोट्स बनाने को बोलूँ किसी चीज का, तो अगर आपने नहीं बनाया तो आपका लॉस है, और अगर आप नहीं बनाओगे तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगी। तो तुम तीनों, गुंजन, तानिया एंड तमन्ना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक करके बता दूंगी, कुछ एडिशन करनी होगी तो, ठीक है, यो मैम, लेकिन मैं सिर्फ इन तीनों का चेक करूंगी कि तीन दिनों ने होमवर्क करा है ना, तुमने तो करा नहीं, राइट। ऑलराइट ओके, अटेंडेंस माइंड में लेती हूँ फिर। तो हम कल स्पर्मेटोजेनेसिस कर चुके हैं, नो मैम, अभी स्टार्ट किया था जस्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस का नहीं हुआ था हमारा, नो मैम, अच्छा मुझे रिमाइंड कराना कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, मैम आपने स्मेटो जो गोनियम पढ़ाया था स्पर्मेटो, और माइटोसिस वन हुई थी, फिर आपने प्राइमरी स्मेटोसाइट्स पढ़ाए थे, फिर उसमें सेकेंडरी स्मेटोसाइट्स पढ़ाए थे, फिर आपने स्पर्म मैम स्मेटो जोन, जेनेसिस प्रोसेस तो करवाया था। यस हाँ मैम बेटा, याद है, तो जेनेसिस तो हो गया है, प्रोसेस यही था, कोई ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, रिवाइज करते हैं, हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमारा खत्म नहीं हो पाया था ना, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग गेमेटोजेनेसिस कर रहे हैं, इसी के साथ हमने आज क्या क्या करना है, एक तो हमने गेमेटोजेनेसिस खत्म कर देना है अपना अच्छे से सारी टर्म्स के साथ, ठीक है, गेमेटोजेनेसिस खत्म करना है, उसके बाद हमने उसके रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो करनी है, और फिर हम लोगों ने क्या करना है, स्पर्म वाला पार्ट करना है, स्पर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो कवर करना है, और अगर हो सका तो इंट्रोडक्शन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, ठीक है, यो मैम, अगर हो सका तो इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, बस आज हम मेल वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, ओके ठीक है, चलो तो गैमेटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं, रिवीजन जब हम कर रहे हैं, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या था, गैमेट फॉर्मेशन, तो मेल के केस में हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है ये, अगर ये हमारी मेल की टेस्टिस है तो टेस्टिस में कहाँ मैम, होगा, सेमी फ्लूइड ट्यूब्यूल, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, मैम बोला था, किसी ने डाउट था बेटा, कोई डाउट है, वैसे भूल है, ये सेमिनिफेरस लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स के अंदर पड़ी होती है हमारी ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है स्पर्म की फॉर्मेशन, तो इसको बाहर निकालते हैं और इसको सर्कुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, तो इसमें जो सिर लगाकर बैठे होते हैं, अपना सिर ना बिल्कुल डुबा कर बैठे होते हैं खाने वाले सेल्स में, तो खाने वाले सेल्स को क्या बुलाते हैं हम लोग, सर्टोली सर्टोली, सर्टोली 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 सेल्स, सेल्स, सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स के पास आपको पड़े हुए मिलेंगे मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोन, स्पर्मेटो, स्पर्मेटोनियम, स्पर्मेटो गोनिया, गोनिया या गोनियम, गोनिया, मैं एक की बात कर रही हूँ ना गोनिया, अभी यहाँ पर, तो गोनियम, अगर मैं गोनियम बहुत सारों की बात कर रही हूँ तो गोनिया, ठीक है, नियम, आयरन, यम, हम की बात कर रहे हो तो हम आता है ना, अस इंडिविजुअल, तो आई वाला जो है गोनियम, वो जिसमें मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, राइट, तो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो हम इसका मेन सेल होता है जर्म सेल, ठीक है,
स्टेम सेल होता है इसका। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो प्लॉयडी होती है वो कितनी होती है, मैम 2N, तो इसके अंदर 2N होते हैं। ये डिसाइड करता है ये क्या करेगा, बहुत सारे सेल्स बना देगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस। माइटोसिस, हाँ मियोसिस नहीं करते, माइटोसिस। तो जो नए माइटोसिस सेल बनेंगे उनका नाम मैम स्पर्मेट स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोसाइट, दैट वुड बी प्राइमरी। सबसे पहले बने हुए स्पर्मेटोसाइट्स। प्लॉयडी क्या होगी मैम, क्योंकि मैंने तो मियोसिस कवर ही नहीं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के कुछ सेल्स बोलेंगे मैंने दोबारा से माइटोसिस ही करते रहना है, कुछ कहेंगे हम आगे बढ़ते स्पर्म बनाएंगे। तो जो आगे बढ़ते स्पर्म बनाएंगे उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस वन होगा। क्या सेल बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉयडी क्या होगी, कैसे पता चला, मियोसिस वन के बाद होती है ना। पर फिर मियोसिस वन के बाद तो मियोसिस टू भी होती है, मियोसिस टू कर दी तो अब क्या बनेंगे हमारे पास, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड की प्लॉयडी क्या होगी मैम, क्यों कम क्यों नहीं हुई क्योंकि मियोसिस स्टार्ट हो गई है, तो जब हाफ होंगे तब जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो हाफ हो जाएंगे, 2n के n बन जाएंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर मियोसिस टू में हाफ नहीं होता नंबर, मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन होता है, पर मैं मियोसिस टू माइटोसिस की तरह। किसने बोला ये मियोसिस, ये जो भी बोल रही थी मैम अनीता। वेरी गुड अनीता, बहुत सही। मियोसिस वन इज रिडक्शन डिवीजन, व्हाई मियोसिस टू इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब स्पर्मेटिड क्या कहेंगे कि हमें हो जाना है समझदार, तो समझदार के प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होगी और क्या बन जाएंगे यहाँ पे, स्पर्म्स का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआस बन गए, ठीक है बढ़िया से, और ये ल्यूमन की तरफ आ जाते हैं और फिर ल्यूमन से अभी बाहर निकलेंगे। देखो सेंटर की तरफ आ गए इसके सारे स्पर्म, अभी सारे के सारे बाहर निकलेंगे और ये किसके घर जाएंगे, रीटा टेस्ट, रीटा आंटी के घर, दैट इज रेटी टेस्टी। रेटी टेस्टिस के बाद जाकर ये एक और स्ट्रक्चर में जाते हैं, दैट इज वासा एफरेंशिया के बाद एक और स्ट्रक्चर में जाते हैं, दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो इतना सबको समझ आया ना, एपिडर्मिस बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। हाँ बोलो विशाल, तुमन्ना। मैम जो हमारा स्मेटोगोनियम होता है उसको हम स्पर्म मदर सेल्स भी बोलते हैं ना। हाँ कह सकते हैं, यस मैम, गोनियम ना। हाँ कह सकते हैं। तो एपिडिडिमस में क्या होता है, स्पेलिंग देख लिया ना, मेरे को स्पेलिंग गलत लग रहा है। एपिडिडिमस में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म स्टोर होते हैं, तो मेल की टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद 1 महीने तक रह सकते हैं आराम से। वेरी भी करता है एग्जैक्ट डेटा, अगर एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो मैं याद नहीं कराना चाहूंगी, लेकिन स्पर्म जो होते हैं वो एपिडिडिमस में स्टोर होते हैं बिफोर इट रिलीजेस। जब वो एपिडिडिमस से रिलीज होने का टाइम आता है तो स्पर्म कहाँ एंटर हो जाएंगे, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया, और इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट। और जैसे वो एजेकुलेटरी डक्ट में आएंगे तो स्पर्म के साथ और क्या क्या चीजें ऐड हो जाएंगी, सेमन और यूरिन। यूरिन नहीं ऐड होगा बेटा, यूरिन का मिक्सचर नहीं बनाना, यहाँ पे तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन ऐड हो जाएगी, है ना। यस मैम। एक ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल होती है खाली ग्लैंड, ग्लैंड अकेले वाला ग्लैंड है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, राइट, कॉपर ग्लैंड। और अब मैं इस पूरे सॉल्यूशन को क्या बुलाऊंगी, दिस इज अ सेमन नहीं है, सीमन। ठीक है, सीमन के अंदर कितने परसेंट स्पर्म होते हैं, 10%। 60% क्या होता है, किसकी सॉल्यूशन, और 30% सॉल्यूशंस किसकी रह रही हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कॉपर।
बस बढ़िया, याद करके आए हो तुम, रिवाइज करके आए हो है? तो यो मैं अगर रिवाइज करके आए हो तो मैं होमवर्क क्यों नहीं किया है? मैम पता ही नहीं था। मैम डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था और मेरी जो स्लाइड है उसमें था नहीं वो। तो मैम तुम में से था किसी ने मैम, पूछा नहीं मुझसे? स्लाइड में तो वो था क्योंकि मैंने स्लाइड से क्वेश्चन कराया था। तुम में से किसी ने पूछा कि नहीं? बेटा पता कैसे नहीं था, लेट आई थी क्लास में, होमवर्क तो दिया था मैंने। नो मैम, तो जाने से पहले होमवर्क पूछे जाया करो, ठीक है? जो बच्चा लेट आता है, राइट? जो ओके प्रोसेस हमने पीछे किया वो यही था जो हमने अभी तक करा है। अब देखो यही वाला चार्ट निकालो, एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी का चार्ट। मैम, पेज नंबर 49। रुको, यहां से क्यों करेंगे हम लोग इसको, बुक से ही करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना, यो मैम, इनका डिसी सीधा कर दिया। मेरी आंख में कुछ चला गया, बहुत दर्द हो रही है, दिख रहा सबको? देखो भाई अपनी कॉपियां खोल लो, बुक खोलो। सबसे पहली चीज क्या नोटिस करनी है बेटा, सबको बात आ रही है ना? पहली चीज क्या नोटिस करेगी? सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे कि स्पर्मेटोगोनिया लिखा है, ठीक है? इसकी जगह वो लिख सकता था पर मैटो गोनियम, गोनियम। आपको सीक्वेंस आएगी तो याद रखना, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है और एंड किस पे होगा? स्पर्मेटोजोआ, तो हम बोलेंगे स्पर्म्स, ठीक है जी? पहले तो ये दो टर्म याद करनी है, नीट में ये तंग करती है। अब हमने देखना है कहाँ पे क्या हुआ। स्पर्मेटोगोनिया प्लॉइडी होगी 2n, माइटोसिस होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है ये भी 2n। यही क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज एन, स्पर्मेटिड भी एन, अब इसके बाद तो एन ही चलेगा। तो ये पॉपुलेशन मेरी सारी एन वाली है और ये पॉपुलेशन मेरी सारी की सारी 2n वाली है, बात क्लियर? उसने लिखी है ये वाली पॉपुलेशन 2n है, तो वो यही बोल रहा है यहाँ पर कि ये वाली पॉपुलेशन 2n है। 2n इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, डाइप्लोइड है या डाइप्लोइड लिख ले, और नीचे वाली सारी हैप्लोइड है, यही बात उसने नीचे बोल दी कि यहां से यहां तक भाई हैप्लोइड है, 23 23 क्रोमोसोम, दैट इज हैप्लोइड। अब हो जाएगा ये चार्ट? तो कब गलत होगा ये? सिर्फ तब गलत होगा अगर तुमको टर्म्स क्लियर नहीं है, समझ आई? तो टर्म्स क्लियर रखना, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट क्या होता है ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो काम खराब है, ठीक है? अभी इस डायग्राम को नहीं देखेंगे, अभी थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम फीमेल पे जा ही नहीं रहे, राइट? क्लियर? इस पिक्चर को लेबल करना नीट में बहुत बार आया है, ये सीक्वेंस डेवलपमेंट की, ये सीक्वेंस बहुत बार आई है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? एक एक इस ऐसे भी डायग्राम दे सकते हैं स्कूल वाले तुमको, बहुत अच्छे से दिया था, ध्यान से देखना इसमें किया क्या, कुछ भी नहीं किया इसने। ये देखो मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, लेते हैं, देख ये पहला सेल है, अरे रेड तो दिख ही नहीं रहा, ये पहला सेल है, उसमें हुई क्या माइटोसिस, एक माइटोसिस से दो सेल बने ना, 1 और 2, उसने बहुत सारी माइटोसिस करी है। अब ये पेरेंट सेल है, इसने माइटोसिस करी तो 1 और 2 1 और 2, वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें एक ही सेल में आगे बता सकता हूँ ना, तो वो एक सेल पे फोकस करवा रहा है तुम्हें, बाकियों में भी हो रहा होगा ये प्रोसेस। उसने कहा मैं एक पकड़ लेता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ, इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बन गए, फिर मियोसिस 2 के बाद, मियोसिस 2 सिर्फ इस सेल में दिखाई है इसने, इसने कहा इससे भी 2 सेल बन गए। तुम देखना हर सर्कल से 2 ही सेल जा रहे होंगे, अब इनमें इंडिविजुअली उन्होंने दिखा दिया पूरी डिवीजन, तो हमेशा एक सेल से 2 सर्कल जा रहे हो, और लास्ट के जो 2 सर्कल्स हैं वो बेसिकली सेल्स है ना, तो हर एक सेल स्पर्म में चेंज हो रहा है। ये बहुत सिंपल है, बस पेशेंटली देखना है कि हर एक सर्कल से 2 सर्कल जा रहे हैं क्योंकि सेल डिवीजन होनी है, समझ आई? लास्ट में 4 सर्कल से 4 स्पर्म इसलिए बने हैं क्योंकि लास्ट में सेल डिवीजन हुई भी नहीं है, लास्ट में क्या हुआ है डिफरेंशिएशन, तो एक सेल ने एक स्पर्म बना दिया, स्पर्मेटिड ने एक, स्पर्मेटिड ने एक स्पर्म, समझ आई ये बात? ऊपर आ जाते हैं एक बार। देखो अभी वाली पिक्चर देख लेते हैं एनसीईआरटी की। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बेटा ट्यूब्यूल लिखा है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, है ना?
तो देखो तो यहाँ पे क्या कौन से दो सेल मिलेंगे, जर्म सेल और सटोली सेल, ये रहे दो टाइप ऑफ सेल लिखे, सटोली सेल। तो मोस्टली आपको ये जो बड़े बड़े सेल दिखेंगे आपको सटोली सेल मिलेंगे, खाने वाले सेल, ठीक है। तो सबसे पहले इसने ऑर्डर में लिखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो जिस ऑर्डर में सेल बने याद रखना। ये पता है डायग्राम कैसा है, ये ऐसे अपने साइड में ना बना ले, तुझे मदद हो जाएगी, ऐसे बना इसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बना, सिंपल बना, सारे बनाओ। ये वाला स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर ट्यूब्स पड़ी हैं, ठीक है। एक ट्यूब को इसने यहाँ दिखाया, तो ट्यूब का ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको तुम्हें दिख रहा है, ट्यूब का ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको ल्यूमन कहते हैं। तो ये है ल्यूमन, दिस इज ल्यूमन, ठीक है। और ये इसको ऐसे याद रखो कि दिस इज नियर टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब तो याद रह जाएगा ना कि ये सेंटर वाली वो बात है। तो सेल ना जो स्पर्म होता है ना, वो बनता बनता ल्यूमन की तरफ जाता है। तो जितनी एडवांस स्टेज होगी वो ल्यूमन की तरफ मिलेगी तुम्हें, ये सेंटर की तरफ जा रहा है। अब देख सटोली सेल के पास पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्लॉइडी क्या होगी इसकी, 2n लिख ले। उसके बाद इससे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देखो इससे दूर है ना ल्यूमन की तरफ, इसकी प्लॉइडी n। सेकेंडरी नाम से टू लगता है ना, तो आंसर उल्टा होगा एन। उसके पास स्पर्मेटेट दिख रहा है तुमको, बोले स्पर्मेटेट और एंड में बन गया स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, मैच्योरिटी हो गई, राइट। यही लेबलिंग आएगी तुमको सीधा करने के लिए। तो याद रखना, कैसे याद रखोगे, जो तुम्हें स्टार्टिंग और एंड याद होना चाहिए, तभी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। कि तुम्हें याद रखना है सबसे दूर जो सेल है, सबसे दूर जो सेल है वो होगा मेरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसकी कोई पूंछ वूंछ नहीं होगी, पूंछ थोड़ी लगी अभी। और जब से सबसे पास जो ल्यूमन के होगा वो स्पर्मेटोजोआ होगा, यानी कि ये सेल्स स्पर्मेटोजोआ होंगे, बाकी के तुम तुक्के से भी लेबल कर लोगे, ठीक है। डायग्राम को डिकोड करना सीखो, सब कुछ ऐसे रट्टा नहीं मारना होता, समझो कि उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, राइट। चलो इसमें एक बहुत प्यारी लाइन है, इसमें नीट का क्वेश्चन आता है, तो मैं यही करा देती हूँ, वैसे मैंने वहां भी कराना है। देखो स्पर्मिएशन, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बन गया, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लो। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सटोली सेल्स। देखो वैसे तो इसने, मैंने देखो मैंने गलत पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है या स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है, माय बैड, यहां से आएगा। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ में चेंज हुए, देखो ऐसे चेंज हुए ना, तो स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में चेंज हुए हैं, नीचे आती हूँ मैं, ये देख ये वाली पिक्चर देखना जरा, स्पर्मेटिड तुमको दिख रहा है गोले से, स्पर्मेटोजोआ में तुम्हें पूंछ लगी दिख रही है, इसका फर्क है। तो ये कह रहे हैं जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में चेंज हुए तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हो तुम, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। देखो स्पर्मेटो टी वाली थी जब प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन पूरा का पूरा, स्पर्मियोजेनेसिस है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, जब स्पर्मेटिड स्पर्म में चेंज हुआ है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। ये नीट का क्वेश्चन था। अब ये क्या बोल रहा है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जब स्पर्मेटोजोआ पूरा बन गया है, स्पर्म हैड बिकम इंडेडेड इन द सटोली सेल एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये थोड़ा सा इसने टेक्निकली इसने थोड़ा गलत दिया है इसको, लेकिन एनसीईआरटी ऐसे लिखते हैं ना, तो हमें ऐसे याद रखना है कि जैसे स्पर्मियोजेनेसिस खत्म हुई, यानी कि पूरा स्पर्म बन गया, स्पर्म का जो सिर होता है वो जाके लग जाता है सटोली सेल में। देखो यहाँ लिखा रहा है, दिखा इसमें रहा है सटोली सेल में लगा, लेकिन फिर भी गलत बोल रहा है। तो थ्योरी में ये बोलता है तो हमें यही लिखना पड़ता है, दैट आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सटोली सेल। एम्बेडेड मतलब गड़ना एक तरह से, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्मिएशन का मतलब होता है, अगर मैं सिंपली पूछूं, स्पर्मिएशन का मतलब है कि स्पर्म, सिंपल लिखते हैं, स्पर्म रिलीज आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और वो कहां चला जाएगा, वहां से निकल के, ट्यूब से निकल के कहां जाता है स्पर्म, रेटी टेस्टिंग, समझ आया,
थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अच्छा तो मेमोरी ग्लैंड है, ओके फीमेल का पार्ट है। और कोई स्ट्रक्चर है क्या? फीमेल है ये। हाँ जी ये पिक्चर थी, यो मैम ये पिक्चर लोबिलोने के लिए आती है। देखो क्या लिखा है, ट्यूब्यूल, लोब्यूल नहीं कर रहा ना, कहीं लोब्यूल नहीं दिखा रहा, ट्यूब सिखा रहा है राइट। तो ट्यूब्यूल में आपको पता है कि ये सेंट्रल सेल्स होंगे, ये रहा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, वो बढ़िया से आपको दिखाई दे रहा है ठीक है जी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है एक साथ, ये भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके अंदर आपको देखो इंटरस्टिशियल सेल्स दिखाई दे रहे हैं। यो यो मैम तो आपको इंटरस्टिशियल सेल कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आपको बीच बीच में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में से पड़े होते हैं ना कहीं कहीं, तो ये सारे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ठीक है। अब देखो दूसरा सेल अगर हम देखें, जो स्पर्म सेल्स होते हैं बेसिकली, जिन्होंने स्पर्म बनाना है, वो सब अंदर होंगे और सोटोली सेल भी अंदर होंगे। तो इसलिए ये आपको दिखाता है कि अगर आप सेंटर में जाओ, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया का मतलब क्या होता है? दूर तो स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? स्पर्म होता है और ये उसका जर्म सेल होता है। तो बेटा बता स्पर्म होता है ल्यूमन के पास या जर्म सेल? तो ना लेबलिंग यही गलत होती है बस, और कुछ नहीं है, सबको आता होता है इतना। ये यहाँ लेबलिंग गलत होती है क्योंकि बहुत गंदे से लेबल है। तुम्हें याद क्या रखना है कि जर्म सेल मुझे कहाँ मिलेंगे? अवे फ्रॉम ह्यूमन, पेरिफ्री पे मिल जाएंगे मुझे। वाइल स्पर्म सेल मुझे कहाँ मिलेंगे? नियर ल्यूमन, और ल्यूमन क्या है? सेंटर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लिख लो इसे, समझ आया? यो यो मैम बेशक मेरी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से तुम्हें चाहे डायग्राम बहुत बड़ा ना दिख रहा हो, जूम करके देख सकते हो, नहीं तो अपनी बुक में तो दिख ही रहा होगा। यो यो मैम भी आपको मदद कर दे। अब ये दो पिक्चर देख लेते हैं एक बार। एक मिनट ना, मेरा चार्जिंग रुक गया, एक मिनट। आवाज आ रही दे यार, अब तो डायग्राम समझ आ जाएगा। मैंने इसका स्ट्रक्चर कर लिया था ठीक है। आइए जहाँ पे पॉइंटर करूंगी उधर ध्यान देना ठीक है। कि स्ट्रक्चर लेबल होने के लिए आते हैं इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे तुम एनसीईआरटी खुद पढ़ने को कह रहे हो लेकिन मैं स्ट्रक्चर तो नहीं छोड़ पाऊंगी। चलो जी एक साइड पकड़ते और वहां से चलते। सबसे पहले हम लोग ले देते हैं ये बाहर वाला जो उसका पाउच है, इसको ये बोल रहे हैं स्क्रॉटम ठीक है। स्क्रॉटम के अंदर बड़ी होते टेस्टिस, एक टेस्टिस लेबल है तो इसलिए आई वाला लिखा है ना।
टेस्टिस के बाद इसने ज्यादा यहाँ पे कुछ लेबल करानी है. ओके इसने यहाँ पे ज्यादा कुछ लेबल नहीं किया, इसने कहा एक पाइप से जा रही है, बॉडी के अंदर जा रही है तो दिखेगी नहीं, ठीक है. और पाइप जो बाहर की तरफ तुम्हें दिखाई दे रही है, दैट इज व्हाट्स द डिफरेंस. तो इसने कौन से उनके स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाए हैं? आपको देखोगे ना ध्यान से देखना इसको, तो ये यहाँ पर गया वासा डिफरेंस, और देखो कहीं फाइनली जाके ये बीच में खुल जाएगा. तो ये ना बेसिकली क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाता है, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है. अच्छा यहाँ चला गया ये, बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं. ये गलत हो गया क्योंकि कंफ्यूजन होती है स्ट्रक्चर, मैं अलग कलर से पेंट करती हूँ. लेबलिंग बहुत पास होती है ना इसकी. अब मैं लेती हूँ डॉट से ग्रीन. अब हम आते हैं, सबसे पहला जो ग्लैंड है दैट इज, दिया इसने, नहीं इसने लेबल नहीं करा. हाँ ये देखो जो पत्ते की तरह, तो क्योंकि साइड व्यू है ना, एक ही दिखेगा तो जो दूसरा दिखेगा नहीं, तो जो पत्ते की तरह था दैट इज सेमिनल वेसिकल, यानी दूसरी तरफ भी होगा ये, ठीक है. उसके बाद जो नीचे इसके ग्लैंड दिखेगा दैट वुड बी प्रोस्टेट ग्लैंड, हो गया ना प्रोस्टेट ग्लैंड. इसको तुम्हें पीछे को दिखाई दे रहा है ऐसे लगा हुआ, तो दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड. और उसके बाद आपको छोटा सा ग्लैंड दिखेगा दैट वुड बी कॉपर्स ग्लैंड, दिस इज कॉपर्स ग्लैंड व्हिच इज बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड. तीनों ग्लैंड दिखे. अब इजैकुलेटरी डक देख लेते हैं जहां से यूरिन भी आएगा और स्पर्म भी. तो ये रहा इजैकुलेटरी डक. देखो अब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर डाला ना, वो जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, तो यूरिन भी यहीं खुल रहा है और हमारे स्पर्म कॉर्ड्स भी इसके ऊपर से जाके पीछे से यहीं खुल रही है, सब यहीं खुल रहा है. इस डायग्राम में अच्छे से नहीं दिख रहा. तो दिस डक जो सब कुछ कैरी कर रही है इज नोन एज इजैकुलेटरी डक. इजैकुलेटरी में गई है पेनिस. जिसको हम बुलाते हैं फोर स्किन, इसने दे रखा. अब समझ आ गया डायग्राम. जहाँ से फीकल मैटर रिलीज होता है बॉडी में उसको हम कहते हैं एनस, इस ओपनिंग को कहते हैं. और जहाँ पर फीकल मैटर स्टोर होता है फीसिस, वो ये होता है दैट इज रेक्टम. ओके वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो इसका पार्ट नहीं है, पर हम फिर भी इसको एक बार करते हैं. तो सारे डायग्राम, अच्छा एक डायग्राम और रहता है ये वाला, देख रहे सीधा सीधा लेबल ज्यादा अच्छा डायग्राम है, ज्यादा अच्छा डायग्राम है, इसमें सब दिखता है. तो ये दिखा रहा है यहाँ पर टेस्टिस है ना, ये दिखा रहा है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है. ये देख लोब्स बनाए इसने बढ़िया से. लोब्स के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? टिब्यूल्स. टिब्यूल्स इसने लेबल नहीं किया, कोई बात नहीं हमें तो पता है. उसके बाद ये देखो यहाँ पे इसने रेटी टेस्टिस बना दिया. रेटी टेस्टिस के बाद इसने बना दिया वासे फ्रेंच है. देखो ये वासे फ्रेंच है, ये लेबल होने के लिए आ सकता है. डायग्राम बहुत अच्छे से बना है, वासे फ्रेंच है. तो तुम ना ऐसे याद रख सकते हो, एक बीच का स्ट्रक्चर इसने खा लिया, तो यहाँ लिख ले टेस्टिकुलर टिब्यूल बी, फिर रेटी टेस्टिस थ्री, फिर वासे फ्रेंचिया एपिडिडमस, उसके बाद वासा डिफरेंस, राइट. अब देखो वासा डिफरेंस, देखो ये यूरेटर है जो यूरिन लेकर आता है, इसके पीछे से कैसे फोल्ड होकर ऊपर से गई है, दिख रही है? दोनों तरफ से मस्त यहाँ खुल रही है. अब ये जहाँ खुल रही है वहीं पे आपका दो ग्लैंड भी घूम रहे हैं, मतलब एक ग्लैंड खुल रहा है जो पीरियड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड. तीनों आपको सीक्वेंस में मिलेंगे और लेबलिंग आती है इसकी. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट में. तो याद रखना सेमिनल वेसिकल, इसमें दो दो वर्ड आए थे, तो ये पीरियड वाला ग्लैंड है. फिर सब कुछ नीचे आके खुलेगा दैट इज यूरेथ्रा, और फिर आपके ग्लैंड्स पीनस वाले पार्ट से बाहर निकल जाएगा सब कुछ. और इसके ऊपर जो स्किन बनी हुई है दिस इज अ फोर स्किन. ओके इस तरीके से, तो प्यूज वो जगह थी जहाँ से वो अटैच थी, ठीक है. चलो कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया. आगे चलते हैं. जो टर्म्स मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाई है वो यहाँ मैंने लिखी भी हुई है, पेज नंबर 47 एनसीईआरटी का है. तो इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लेना, इग्नोर मत करना, ठीक है.
अब थोड़ा सा हार्मोन के बारे में जान ले। यस मैम। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वहां पर हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं जो पिट्यूटरी को कहते हैं। आपको याद है ना कल मैंने बताया था कि एक तो हाइपोथैलेमस इसमें रोल प्ले करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी रोल प्ले करेगा और उसके बाद वो किसको स्टिमुलेट करेंगे? टेस्टिस के लेडिक सेल्स, सटोली सेल को भी करते हैं, सटोली सेल्स को भी करते हैं। तो टेस्टिस में दो सेल्स है, लेडिक एंड सटोली, दोनों को करते हैं। सटोली सेल भी अपने काम ऐसे नहीं करता, उसको भी सिग्नल आता है, राइट। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलेगा दैट विल बी GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन नीचे जाता है, उसे क्या बोलता है पिट्यूटरी को कि तू क्या रिलीज कर दे? गोनाडोट्रोफिन। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब ये है कि वो सिग्नल देता है कि तू रिलीज कर, दो गोनाडोट्रोफिन रिलीज करो। दो गोनाडोट्रोफिन के नाम है FSH एंड LH। हाँ बेटा सही बोल रहा है। FSH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। शाबाश शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? पारुल। शाबाश पारुल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन, वो पीछे भी सही बोल रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? तमन्ना। तमन्ना तुम भी ठीक बोल रही थी, गुड। लुटिनाइजिंग हार्मोन दोनों सिक्रीट हो गए, अब वे भाग के जाएंगे। अब देखो फॉलिकल से क्या समझते हो तुम, ये बताओ पहले तो। मैम ग्राइम फॉलिकल। समझते क्या फॉलिकल वर्ड से? सेल है, लेयर है, न्यूक्लियस है। सेल फॉलिकल इज लाइक कवरिंग जोन सेल। सेल के ऊपर ना कवर लगता जाता है ना, तो उसको फॉलिकल कहते हैं। उसके अंदर सेल होता है जनरली। ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ सेल। उसके ऊपर जो कवरिंग लगती है ना बेटा, ये देख रेड से बना रही हूँ, इनको फॉलिकल्स कहते हैं जनरली, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को मैं एक साथ ग्राफिन फॉलिकल कह दूंगी, लेकिन फॉलिकल का मतलब होता है ऊपर ऊपर कवर लगना, इतना याद रहेगा। थोड़ा सा कवरिंग से ले लेते, चलो कोई नहीं। इतना लिख लिया आप लोगों ने बेटा? जिसने नहीं लिखा लिख लो। डाउट है किसी को? नो। समझ आ रहा है? ओके। कोई था जिसे क्लास में? रीता, रीता क्लास ज्वाइन हो गई? रीटा की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, आई होप हो गई है। मैंने कहा था ना जब भी क्लास ज्वाइनिंग में इशू हो तो आप उनको फोन करना, या नहीं आपने उनको फोन? अपने लीडर को क्लास के ग्रुप के चलिए करो यार, उन्हें फोन होता पता नहीं चलता। चलो आगे बढ़ू, बढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब हार्मोन के बारे में जानते हैं कि एक है हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? FSH एंड LH। कौन सा पिट्यूटरी? एंटीरियर, पोस्टीरियर या कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी टेस्टिस के पास जाके रिलीज करा देता है लेडिक सेल्स एंड सटोली सेल से अपनी अपनी सिक्रीशंस, ठीक है। तब कौन सा सेल किसको स्टिमुलेट करता है वो हमें जानना है। तो आप इतना लिख सकते हो फ्लोचार्ट के फॉर्म में, अगर आपने पीछे का नहीं लिखा है तो। वैसे तो हमने वहां लिख दिया था, तो लेडिक एंड सटोली सेल्स के साथ यहाँ लिख लेना, दैट स्टिमुलेटेड बाय FSH एंड LH, इनके थ्रू स्टिमुलेट होते हैं। कौन सा सेल किसको, कौन सा सेल किस हार्मोन से स्टिमुलेट होता है वो नीट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। बेटा समझ आया? अब इससे पहले हम आगे बढ़े, अच्छा कर ले कर ले, सॉरी सॉरी सर। अच्छा अब इससे पहले आगे पढ़े, आपको एक चीज पता होना चाहिए, व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक, व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक। अच्छा कोई पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन बताओ। तब आपको पॉजिटिवली कोई मोटिवेट करता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है वो?
मैम कि जो काम हम कर रहे हैं वो उसके लिए मतलब कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम उस काम को और अच्छे से करें ताकि हमें उसमें सक्सेस मिले। तो आप उसको और अच्छे से करते हो फिर पॉजिटिव मोटिवेशन के बाद? यो तो बेसिकली पॉजिटिव पॉजिटिव मोटिवेशन है मैम, दैट पॉजिटिव मोटिवेशन इज लाइक डर के आगे जीते। हाँ सेल्फ मोटिवेशन है ना। आप अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेट करते हो तो फिर अपना काम खुद बढ़ाते हो। मींस जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बना है, लेट्स से एक केमिकल बना है, तो जो भी इस प्रोडक्ट को बना रहा है ये मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये प्रोडक्ट पीछे जाता है और उस मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि सुन मेरी मैन्युफैक्चरिंग और कर, मुझे मजा आ रहा है ना। इसी कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, कि जब प्रोडक्ट अपनी ही सिंथेसिस को और स्टिमुलेट करें उसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो तुम ह्यूमन, लेट्स से हम यहाँ लिख देते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे तान्या, ये हमारी तान्या, और इसका प्रोडक्ट है कि सेल्फ मोटिवेशन, तो वो खुद को मोटिवेट कर रही है कि हाँ यार मुझे ना अप्रोच बनाने स्टार्ट कर देने के लिए, तो वो खुद को मोटिवेट करती है, तो उसके दिमाग में वो खुद ही सिग्नल भेजती है कि तान्या उठ जा, जब भी वो सो रही होती है कि उठ जा चल नोट बनाते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो खुद की प्रोडक्शन खुद ही बढ़वा रहा है, उसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। बात समझ आई? यो मैम, यो मैम। तो प्रोडक्ट अपनी फॉर्मेशन खुद बढ़ाता है। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ, प्रोडक्ट अपनी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की जगह सिंथेसिस वर्ड ज्यादा चलेगा, सिंथेसिस खुद इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फिर चलिए बहुत बढ़िया बात हो गई। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होगा? पूछो नेगेटिव फीडबैक क्या होगा? नेगेटिव थॉट्स आती होंगे ना माइंड में, जब नेगेटिव थॉट्स आती है यार तो जितना भी पढ़ ले जो भी कर ले स्कूल में नंबर 60% ही आने हैं, इससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे, ये नेगेटिव फीडबैक। जब तूने अपने आपको ये बोला ना तो तुम अब ये कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया ना कि रिजल्ट कभी अच्छा आएगा ही नहीं, तो तुम जो काम कर रहे थे तुम वो करने से भी रुक जाओगे। तो नेगेटिव फीडबैक इज लाइक जब प्रोडक्ट अपनी ही सिंथेसिस को रुकवा दे, सिग्नल टू स्टॉप इट्स ओन फर्दर सिंथेसिस। अब बॉडी में ना ये चीज अच्छी है, नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि हार्मोन की एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन हो गया तो हाइट इतनी बढ़ जाएगी कि जायजेंटिज्म हो जाएगा, है ना। तो बॉडी के हिसाब से तो नेगेटिव फीडबैक ठीक है लेकिन लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो जब प्रोडक्ट ऊपर सिग्नल दे, देखो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर, जब एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है ना तो प्रोडक्ट खुद ही पीछे सिग्नल भेजता है कि सुन मेरी सिंथेसिस अब बंद कराते, तो कि नेगेटिव है इससे नेगेटिव साइन से देता है, तो अब आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुक जाएगी। तो नेगेटिव फीडबैक जरूरी होता है बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हार्मोन मेंटेन रहे उसके लिए। तो समझ में आ गया पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक? बॉडी में आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक मिलेगा आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल आप बायो पढ़ने बैठे हो, पढ़ते चले जा रहे हो पूरा दिन बायो पढ़ते रहे, आपको पता होना चाहिए था कि आपको 2 घंटे के बाद रुकना था, 1 घंटे के बाद रुकना था और दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना था, क्योंकि आपके एंट्रेंस में या आपके स्कूल एग्जाम में तो तीनों सब्जेक्ट आएंगे ना, राइट। तो नेगेटिव फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है। ओके इतना लिख लिया आप लोगों ने? तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला, उसने पिट्यूटरी को क्या किया, स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट करके उसने पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवा दिया, FSH, FSH and LH. Yes, FSH and LH जब निकला वहां से, तो FSH ने किसको स्टिमुलेट किया है? सटोली सेल्स के पास जाके वो उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करता है तो सटोली सेल भी आगे 2 चीजें रिलीज कर देते हैं। तो सटोली सेल 2 केमिकल रिलीज करते हैं, इनमें से एक है हार्मोन विच इज नोन एज इनहिबिन। तो इनहिबिन नाम से कैसा लग रहा है, इनहिबिट लग रहा है ना। सटोली सेल्स इनहिबिन सिक्रीट करते हैं, जब जब बहुत सारा एबीपी हो जाता है ना तब वो इनहिबिन रिलीज करते हैं, जो पीछे जाता है और एफएसएस को बोलते हैं कि बस सिंथेसिस अब बंद कर ले, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करें, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी हमें सटोली सेल चाहिए और लेडिक सेल्स भी चाहिए। तो कैसे याद रखोगे कि लेडिक सेल एल से स्टार्ट होता है, तो एलएच हार्मोन भी लेडिक सेल पे वर्क करता है, वेल सटोली सेल पे वर्क करता है एफएसएच। तो सटोली सेल 2 चीजें सिक्रीट करते हैं,
एक होता है इनिबिन और दूसरा होता है एबीपी, समझ आया? एबीपी स्टैंड फॉर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो सुन के लग रहा है ना ये कुछ बाइंड करता होगा, तो इनिबिट ने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक और एबीपी ने कुछ बाइंड करा होगा, ठीक है। अब स्पर्म फॉर्मेशन में ना सटोली सेल मदद करते हैं, तो अब हमें पता चलेगा कैसे मदद करते हैं, तो इतना लिख लिया आप लोगों ने। आइए ध्यान लिख लो नेगेटिव फीडबैक, अभी तुम नहीं हो ना, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तो तुमसे पता कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिलीजेस इनहिबिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एबीपी, एबीपी इज रिलीज फ्रॉम विच सेल, सटोली सेल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ एबीपी इनहिबिन और व्हाट, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बात क्या हो रही है, ओके? यो यो मैम, यो यो मैम, चलो नेक्स्ट पेज पे जाऊं, यो यो मैम, ये देखो बेटा अब एलएच की बात हो रही है, तो अब एलएच पे देखेंगे कि लेडिक सेल्स के ऊपर इफेक्ट करा है एलएच ने, तो उसने क्या किया, इसको स्टिमुलेट, लेडिक सेल क्या रिलीज करते थे, टेस्टोस्टेरोन, व्हिच इज एंड्रोजन, एंड्रोजन का मतलब क्या होता है, सेक्स हार्मोन, ये सब एक ही वर्ड है, ओके? बहुत तरीके के सेक्स हार्मोन होते हैं जिसमें से मेल का टेस्टोस्टेरोन है। अब टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम क्या है, टेस्टोस्टेरोन मेल को अपनी बॉडी में भी तो चाहिए ना, उसकी आवाज चेंज होती है, उसकी बॉडी की शेप आ जाती है, बियर्ड आने लग जाती है, तो उसके टेस्टोस्टेरोन को टेस्टिस से उसके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, राइट? तो पता क्या होता है कि अगर ये टेस्टिस है, लेट्स से ये मेल है, ये उसकी टेस्टिस है, मैं टेस्टोस्टेरोन बना रही हूँ ब्लू कलर से, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ तो यूज होगा, इसके अलावा पूरी बॉडी में भी सर्कुलेट होगा, तभी तो उसमें इतने सारे चेंजेस आते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन अगर बाहर निकल गया तो पता कैसे चलेगा, सारा टेस्टोस्टेरोन बाहर निकल गया तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो नहीं पाएगी, तब आता है काम एबीपी का, एबीपी क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है, अगर ये टेस्टोस्टेरोन है फॉर एग्जांपल, ये इतना सारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जाके उसके साथ बाइंड कर जाता है और उसको टेस्टिस में होल्ड करके रखता है, तो आधा टेस्टोस्टेरोन यहाँ रह गया, बाकी टेस्टोस्टेरोन पूरी बॉडी में जा सकता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरोन मदद करता है और ब्लड में जाके बॉडी में सेकेंडरी करेक्टर जाता है, जैसे आवाज का थोड़ा पिच का हाई लो हो जाना, ये सब, और टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन किसको हो, किसने होल्ड करके रखता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो अब अगर पूछे कोई सटोली सेल ने कैसे मदद किया स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो टेस्टोस्टेरोन को टेस्टिस से बाहर नहीं जाने देता ज्यादा को, इस वजह से वो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, समझ आई? यो यो मैम, इसको एक बार लिखो, एक बार पूछती हूँ, समझ आई? तो मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, एक बार इसको लिख, मैं तो को लिखवाते हो, रिपीट करती हूँ, लिखो सही बात, अंगूठे नहीं लगाए तुमने बेटा, पता कैसे चलेगा मैम को, हैं सब कलर नहीं चेंज होता है, होता तो होगा ना, देखो हैं हाँ कर तो मैं, ये देखो वो इससे ज्यादा मैंने छेड़छाड़ की, मैंने कुछ नहीं किया है, हाँ थोड़ा सा देख भाई हुआ क्या, टेस्टोस्टेरोन ठीक है कहाँ प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस बाय लेडिक सेल्स वेयर, टेस्टिस, इंटेस्टिस, अरे कहाँ गया मेरा पेन, ऑन ग्लास टाइपिंग करना थोड़ा रिस्की होता है, पेन वेन खो जाते हैं मेरे, हाँ जी प्रोड्यूस इन टेस्टिस बाय लेडी सेल्स, ठीक है जी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में, कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है जी, पहला स्टेप सबको क्लियर, यो यो मैम,
स्टेप बस हाँ लिखेंगे सारे इसको, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, दिस टेस्टोस्टेरोन हैव टू लीव टेस्टिस एंड सर्कुलेट इन ब्लड, प्रोवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी कलेक्टर, टू डेवलप सेकेंडरी कलेक्टर्स। लाइक बियर्ड, ऑनसेट ऑफ बियर्ड। अब अगर उसको दाढ़ी आनी है बेटा, तो उसके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन क्या कर लेगा, उसको ऊपर उसके स्किन के पास भी तो आना पड़ेगा ना, तभी तो सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि बियर्ड आनी स्टार्ट हो। आवाज को अगर चेंज करना तो उसको वोकल कॉर्ड पे जाना पड़ेगा, तो ब्लड के थ्रू टेस्टोस्टेरोन सबके पास जाता है और सेकेंडरी कैरेक्टर्स को देता है, ठीक है। यो यो मैम, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या है, इफ ऑल टेस्टोस्टेरोन लीव टेस्टिस तब क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस विल स्टॉप, फिर क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या निकला इसका। सॉल्यूशन भगवान ने पहले सेटिंग करके भेजा था, कहते बावली हो तो मैं खुद ही सेट कर देता हूँ। उन्होंने कहा व्हाट व्हाट हैज बीन डन, कि सर्टोली सेल क्या रिलीज करते हैं मैम, इनहिबिट और एंड्रोजन एबीपी बाइंडिंग एबीपी प्रोटीन। दिस एबीपी किससे बाइंड कर जाता है, बाइंड टू सम टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस एंड डू नॉट लेट इट एग्जिट। सिंपल, तुम्हारे सारे दोस्त बाहर जा रहे थे ना दूसरी क्लास में, लेकिन तुम चाहते, मैम ने बोला दो सेक्शन में डिवाइड हो, सारे उठ के दूसरी लाइन में जा रहे थे, तुमने कुछ नहीं किया, अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया, उसको बोला तू नहीं जाएगी बाकी सब चले जाएंगे, तुमने अपने दोस्त रोक लिया ना, बाकी क्लास तो चली गई ना, तो तुम हो एबीपी, ठीक है, तुम हो एबीपी और तुम्हारी जो दोस्त है वो है टेस्टोस्टेरोन और बाकी की सारी बुद्धू क्लास टेस्टोस्टेरोन है जो बाहर क्लास से चली गई थी, ठीक है, समझ आया। स्टॉप हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टॉप हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं स्टॉप होगी, अगर टेस्टोस्टेरोन चला जाता तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप होगी, पर नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो गए नहीं बाहर सारा, वो तो है। टेस्टोस्टेरोन का क्या इफेक्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो ये प्रोसेस पार्ट होता है ना, कि जर्म सेल माइटोसिस में स्टार्ट, माइटोसिस करना स्टार्ट करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ही करते हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा ना तो माइटोसिस ही नहीं होगी, फिर तो मियोसिस भी नहीं होगी। ओके मैम, समझ आया। यस मैम, लिख लो। क्वेश्चन अच्छा था उसका, क्या नाम है तुम्हारा, पायल। नाइस क्वेश्चन, मुझे लगा शायद तुम लोग को ऑलरेडी पता है, अच्छा पूछो। हाँ 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 राजकुमारी तुझे सब पता है, मुझे तो पता था, पायल को नहीं पता था बस। लिख लिया। चलिए आइए थोड़ा सा स्पम कर ले। यो यो मैम, मेल का पार्ट खत्म कर दी मैं। तो देखो स्पम के पास है सर, सर मार के रखते हैं ना सटोली सेल में, ये रहा उसका हेड। स्पम के पास एक गर्दन भी होती है ब्यूटीफुल, दिस इज इट्स नेक। इतना गब्बू नहीं होता हमारे वाले स्पम ने, लगता परांठे ज्यादा खा लिए, मेरे घर से होके गया ये, मम्मी ने परांठे बेल के खिलाए उसको। ये है नीचे इसकी बॉडी, जैसे गब्बू हो गई है ना, मेरी भी होती चली जा रही है परांठे खा खा के। ये है हमारी टेल, टेल के सेंटर में होता है फ्लैजिला, जो मूवमेंट में करता है मस्त मदद, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, स्पर्म का सब कुछ बाहर रह जाता है, जो अंदर जाता है वो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है यहाँ। फ्लोइडी क्या होगी, शाबाश सर मार लो, जाओ जाओ दीवार पे सर मार के आओ सारे। और ये सेंटर में जो, और ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके अंदर सब एंजाइम भरे हुए होते हैं, जो फीमेल के एग को एकदम चीर फाड़ करके जाते हैं, इसको हम बुलाते हैं एक्रोसोम। ये भरा होता है बहुत सारे एंजाइम से भरा, ठीक है। कौन से होते हैं फर्टिलाइजेशन है बताऊंगी अभी, की दिमाग खाना है। तो स्ट्रक्चर समझ आया, बनाया नो मैम, बनाया।
आगे चलते हैं। कौन है ये, डाउट है किसी को? ओके okay. नो no, मैम। तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस। प्लॉइडी क्या होगी? एंड के पास होता है न्यूक्लियस प्लॉइडी विद एन, और ऊपर क्या है? एक्रोसोम। क्या भरे होते हैं? एक्रोसोम में एक्रोसोम भरे होते हैं। मुक्का मारूंगी तुझे, मुक्का मारूंगी ना, ठीक हो जाएगी तू। अब देखो बढ़िया वाली बात है, जो उसके गर्दन है ना वहाँ पे दो बटन लगे हैं, ये बटन बड़े जरूरी है। देखो अगर यहाँ न्यूक्लियस पड़ा है हेड के पास, है ना, तो हेड के पीछे आती है नेक, अब सर के बाद तो नेक ही आती है। अब नेक के पास ना दो स्ट्रक्चर बने हैं, इनको हम कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होती है? यही पे मृत्यु हो गई। नहीं नहीं सेंट्रियोल वो होती है जो तुम्हारा होमवर्क है। लिखो भाई, ये जिसने होमवर्क बोला ना नहीं आता मुझे, लिख तू लिख। सेंट्रियोल की फुल फॉर्म लिख के आइए, क्या होती है ये, कहाँ मिलती है, किसमें नहीं मिलती है, सेल वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। सेंट्रियल होती है ये दो तरह की है, जो क्लोज होती है न्यूक्लियस की उसको आप बुलाते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियल, ठीक है, तेरा नाम पे पड़ा है। और एक सेंट्रियल है जो क्लोज होती है बॉडी के, स्पर्म की बॉडी नहीं, जो ऊपर हेड है पूरा, जो बॉडी के क्लोज होती है उसको आप बुलाते हैं डिस्टल। ये बात समझ आई? इसके बाद कौन सी क्लास है? सर टाइम पे भी आ जाते हैं तो मैं रहने देती हूँ, है ना, कोई बात नहीं। रिपीट कर देना। वर्ड में सिर्फ दो ही लिख पाई, सिर्फ एक्सटेंट्रियल और एक प्रॉक्सिमल। अरे वो मैं वो तो मैं तो वो क्लास के नोट्स भेजूंगी बावली। अच्छा आइए बी फॉर ना जो यू मैम, अटेंडेंस रहेगी ना तुम्हारी। दस तारीख हो गई आज। आइए तेजस्विनी, अरुणा, स्वाति, कामिनी, नामिका, अनीता, प्रेजेंट मैम, नंदिनी, रुशिल, प्रेजेंट मैम, पलक, प्रेजेंट मैम, प्रीति, प्रेजेंट मैम, नेहा, मुस्कान, प्रेजेंट मैम, प्रिया, मैम स्नेहा इज प्रेजेंट, प्रेजेंट आई नो, प्रिया, अनीता कुमारी, नामिका इज प्रेजेंट, मन्ना, प्रेजेंट मैम, ओके नामिका, आदि प्रेजेंट, अदिति, यस मैम, प्रेजेंट मैम, तान्या, मैं सारे चुप करो यार, एक दूसरे के प्रेजेंट बोल दोगे। अर्चना, यस मैम, प्रेजेंट मैम, ये देख दो अर्चना, मैंने सब चुप, अब जिसका नाम बोलेंगे बोलना, जिसका निकल गया चुप ही रहना। रमिता, प्रेजेंट मैम, दीक्षा, प्रेजेंट मैम, हीना, आंचल, प्रेजेंट मैम, अनुशिवा, वैशाली, यस मैम, तनिष्क, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, आयर, इसका निकल गया बैठो, मनीषा, सुनेहा, शिवांगी, प्रेजेंट मैम, शिल्पी, प्रेजेंट मैम, अंजलि, प्रेजेंट मैम, नाक्षी, यस मैम, ब्रिया, प्रेजेंट मैम, साक्षी, यस मैम, प्रीति, प्रेजेंट मैम, एंजल, यस मैम, नामिका, गुंजन, यस मैम, अलग धीमान, प्रेजेंट मैम, अंजू, प्रेजेंट मैम, भावना, प्रेजेंट मैम, दिव्य ज्योति, शगुन पठानिया, प्रेजेंट मैम, श्वेता कुमारी, प्रेजेंट मैम, दिवांशी ठाकुर, पारुल, प्रेजेंट मैम,
नवप्रीत यस मैम कशिश यस मैम नितिका कशिश आई है यस मैम कशिश पहली क्लास है नो मैम पहले आई थी यस मैम कभी अटेंडेंस तो बोली नहीं दो बार बोली बस बेटा रेगुलर आते तो नहीं तो समझ नहीं आएगा लगते रहे ना यस मैम नितिका यस मैम अरुचि प्रेजेंट मैम पूर्वा यस मैम मुस्कान प्रेजेंट मैम चलो भाई बाबलो बोलो भाई किसकी रहती है मैम 15 9 इज प्रेजेंट 15 इज प्रेजेंट और 25 इज प्रेजेंट और नंदली बेटा नाम बोल दे नंबर बोल दे और भी रहता है अलाइन कर दिया मैम 47 दिव्यांशी दिव्यांशी यस मैम और कोई सर ठीक है जी चलिए मिलते हैं कल एनसीईआरटी रिवाइज करके आना एक ही होमवर्क है आपका है ना